अभी हो रहे हैं 12:10, तो अभी तक आपने देखा कि मैं गई थी फास्टिंग के लिए ब्लड सैंपल देने, अभी जा रही हूँ पीपी सैंपल देने खाने के बाद का। तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल स्पेशल अनबॉक्स। कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारा वीडियो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धूप बहुत तेज हुई है, रिशो गए नीचे पार्किंग से होते हुए आएंगे और मैं इधर से जा रही हूँ क्योंकि अभी नहाई ना तो सभी थोड़ा सा धूप में भी ऐसे ऐसे जाऊँगी तो धूप थोड़ा सा मिल जाएगा मुझे इसीलिए। और उस ब्लॉग को ना जो फास्टिंग ब्लड सैंपल की थी उसको वहीं तक एंड कर देती हूँ और आगे का रिपोर्ट इस वाले में आएगा। तो चलिए फिर चलते हैं धूप का मज़ा लेते हुए और आगे क्या क्या होता है और हेल्थ अपडेट क्या रहता है वो सब मैं आपको दूंगी। चलो देखो कितनी तेज़ धूप है। अभी क्रिशु हमें मिलेंगे यहाँ एग्जिट गेट के पास। तो थोड़ी देर हो गई धूप में मुझे एक दो राउंड लगाते हुए, अब चलेंगे गाड़ी से और अपने पास थोड़ा सा टाइम भी था। ये देखिए यहाँ पे ब्लड निकलाया था तो कैसे हो गया, फिर अभी यहाँ पे और एक बार और निकालेंगे। चलिए चलते हैं। कितना घंटा हुआ, चलो प्यार करो, मामा को प्यार करो एक बार और, एक बार चिक 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 लिप्स लिप्स पे नहीं नहीं तीत पे कैसे करोगे, तीत पे कैसे करोगे। यहाँ का बर्तन ये ट्रॉली निकल गया है, अब ले जा रही हूँ साफ करने, गंदा हुआ है ये बर्तन साफ करने हैं मुझे अभी, फिर चलते हैं इधर। तो इधर हमारा ट्रॉली दोनों निकल चुका है, इसे हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, पानी से नहीं करेंगे, सूखे हाथ करेंगे। थोड़ी सी नल को खोल लेते हैं और इसे कर लेते हैं साफ। इधर से आवाज़ इतनी आ रही होगी ना कि मुझे म्यूट भी करना पड़ सकता है। तो चलो ये पहले हम कर लेते हैं ताकि धूप आए तो तुरंत सूख भी जाए, फिर मैं ट्रॉली को वापस लगा दूँगी। ये पेस्ट कंट्रोल हुआ था ना तब उसका है, ये सब गंदा दिख रहा है इसीलिए पानी से गीला करना पड़ रहा है। मेरी ट्रॉली अच्छे से साफ हो गई है, पीछे भी चमक गई है, अंदर ही चमकाना था, बाहर भी प्लाईवुड है, इधर कुछ चमकाना नहीं था। तो चल रहे हैं इसे अंदर लगाते हैं, पहले अंदर जहाँ पे ट्रॉली था वहाँ पे सफाई कर लीजिए। ये हमारा कपड़ा है, फाइनली ट्रॉली लग गया। कुछ नहीं बाबू का
ये मेरे पास कुछ ऐसे मोटे पेपर हैं, पतले पेपर मतलब मोटे प्लेन पेपर नहीं थे। ये इसलिए बिछा रही हूँ ताकि नीचे से ना डस्ट बहुत आता है तो बर्तन आए दिन गंदे होते हैं। तो इस बार देख रही हूँ कि इसका क्या है, अगर ये अच्छे से वर्क करे तो दूसरा कुछ मोटा पैडशीट वगैरह मंगा के इस पर डालूँगी। पहले देखती हूँ कि ये वर्क कर रहा है या क्या। इसीलिए अभी पेपर से ही काम चला के देख रही, मतलब अगर गीला नहीं होगा समटाएगा नहीं तो फिर हम मोटा इस पर कार्डशीट डाल सकते हैं। इसीलिए चलो हम अभी डालने के फटाफट। इसको भी ऐसे डाल दिया है। मेरे कुछ कांच के बर्तन हैं जो कि ऐसे ही रखती हूँ इसी में। ये कांच के बर्तन कब अभी तो इस्तेमाल होना नहीं है क्योंकि क्रेशो तोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने सारा सेट कर दिया है और यहाँ पे ये सेट हो गया है। आज बुक करूँगी सीट, तो आएगा तो फिर से चेंज कर दूँगी। चलो अब खाना बना लेते हैं, किचन ऐसे फैल चुका है तो सारा इकट्ठा करते फिर खाना बनाते जल्दी जल्दी। 10:30 हो गया है तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने गेहूँ डाल दिया है सूखने के लिए, कल धोई थी। और ये चूड़ा है पोहा, तो पता नहीं इसमें छोटे छोटे ऐसे लग रहा था फफूदी नहीं मतलब कीड़े टाइप, तो मैं थोड़ी सी धूप में रख दी हूँ, ये भी सूख जाएंगे। और ये है मक्के का आटा, यहाँ पे है मड़ुए की आटा। तो ये दोनों को मैं डिब्बा में पैक करके रख दी थी लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे मॉइस्चर ऐसा हो गया था आज निकाली हूँ गूंथने के लिए, तो लगा मुझे सुखा देने चाहिए। ये मिर्ची ये भी सूख रहा है और कबूतर इतने परेशान करके रखे हैं कि क्या ही बताएं। तो ये है डना डंटा कबूतर को मारने के लिए। और कृष्ण का है नहाने, तब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ मसाले वगैरह। देखते हैं रात में क्या बनता है। तो कृष्ण कितने से पूछे किए हैं तो मैं भी फिश बनाऊँगी। ये फिश के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ और बाकी सारा खाना बन गया है। बर्तन निकाल दी हूँ, मेरा बर्तन धो लेगी। और आज मैंने ये सब आप देखे ही हैं वीडियो में, मैं क्लीन की हूँ और लगाई हूँ। आज का काम बहुत हो गया तो करेंगे कल जो बाकी है। कृष्ण के नहाने से पहले जल्दी जल्दी निपटारा कर लेते हैं। और अभी जाना है मुझे भी नहाने, मैं नहीं नहाई हूँ और हाँ मेरा रिपोर्ट आ गया है। तो रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी आया है, हार्ड कॉपी नहीं आया अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको हार्ड कॉपी ही दिखाऊं, सॉफ्ट कॉपी से दिखाने से कोई ये नहीं होगा, हार्ड कॉपी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आप लोगों को हार्ड कॉपी ही दिखाऊँगी जब लेने जाऊँगी। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। ये छोटी सी वीडियो हमें कैसे लगी, अगर वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल पर नए हो तो, और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।